नमस्कार, आप सभी दर्शकों का इंसाफ की आवाज में स्वागत है। सेवानिवृत्ति एक प्रक्रिया है जो नौकरी कर अपने विभाग और सरकार अथवा संस्थान को अपने जीवन का अहम समय देते हैं, लेकिन जब वो कर्मी रिटायर करें और उसे सेवानिवृत्ति के समय एक शॉल, एक माला और एक छाता देकर विभाग से विदाई मिले, तो जरा सोचिए उस इंसान पर क्या बीतती होगी जिसने 40-45 साल विभाग में योगदान दिया, आज वह खाली हाथ विभाग से विदा ले रहा है। यह दर्द है झारखंड गृह रक्षा वाहिनी से सेवानिवृत्त हुए होमगार्ड जवानों की, जिसने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विभाग की सेवा में लगा दी। उसे रिटायरमेंट के वक्त एक मुश्त धनराशि तो छोड़िए, सांत्वना देने भी कोई नहीं आता है। झारखंड सरकार लाख दावे कर ले, लाख जश्न मना ले, लेकिन हकीकत यही है। चाहे सरकार किसी की भी हो, गृह रक्षकों के मुद्दे पर किसी भी सरकार ने सहानुभूति नहीं दिखाई। झारखंड अलग राज्य हुए 20 साल बीत चुके हैं, लेकिन गृह रक्षकों के लिए कोई नियमावली नहीं बनी, जबकि पड़ोसी राज्य बिहार और छत्तीसगढ़ के गृह रक्षकों की स्थिति झारखंड के गृह रक्षकों से बेहतर है। लेकिन आज बिहार में रिटायरमेंट होने के उपरांत होमगार्ड जवानों को वहां की सरकार के द्वारा एक मुफ्त राशि 1.5 लाख रुपया मुहैया करवाई जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ झारखंड से जो जवान रिटायरमेंट हो जा रहे हैं उनको कुछ प्राप्त नहीं होता। इतनी साल सेवा देने के बाद वो गृह रक्षक इस विभाग से खाली हाथ लौट जाता, जो हमारा दुर्भाग्य है। आज पंकज कुमार ज्योतिषी रिटायर हुए हैं, कल हमारी बारी भी है और अन्य लोग भी रिटायर होंगे। तो इसी प्रकार इस विभाग में जो अपनी सेवा देते रहे हैं और जिनका समय सेवा अवधि 60 वर्ष पूरा हो जाएगा, वह इसी प्रकार जाते रहेंगे। तो मेरा झारखंड सरकार से आग्रह होगा कि बिहार की तर्ज पे जो मांग रखी गई है राज्य स्तर से और सारे संगठनों के द्वारा एक ही मांग है कि राज्य स्तर पे कि बिहार के तर्ज पे हमको सुविधा मुहैया कराई जाए, तो उसमें यह भी मांग रखी गई है और उसका निर्देश भी है। तो मेरा अनुरोध होगा बिहार सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से, कि कम से कम होमगार्ड को रिटायरमेंट में जो 1.5 लाख रुपया एक मुश्त राशि मुहैया करवाई जाती है, इस राज्य के गृह रक्षकों को भी लागू किया जाए, जिससे गृह रक्षक रिटायरमेंट होने के बाद अपने परिवार का भरण पोषण कम से कम सूखा नमक रोटी तो खा सके, यही मेरा उनसे आग्रह होगा। जय हिंद, जय भारत, जय होमगार्ड। जो शुरू में जो बड़े भैया इनका नाम दिए जो सौ वो बड़ी नवला कड़िया है इनका नाम। आज हमारे बीच में हमारे साथी, हमारे भाई पंकज कुमार महापात्रो जी, इस विभाग में सन 1980 से लेके आज तक, आज दिनांक 31/12/2020, यानी 40 वर्ष की सेवा देकर और आज खाली हाथ लौट रहे हैं, ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य। और सरकार द्वारा इस पे कोई निगरानी या कोई जो डिमांड है जो अन्य बिहार के तर्ज पे अन्य स्टेट भी दे रहे हैं रिटायरमेंट पे, लेकिन हमारे झारखंड राज्य के गृह रक्षकों को रिटायरमेंट के उपरांत कुछ नहीं मिल रहा। मेरा अनुरोध होगा सरकार से कि रिटायरमेंट के उपरांत जो बिहार की तर्ज पे छत्तीसगढ़ में भी उक्त राशि दी जा रही है, वो 1.5 लाख रुपया रिटायरमेंट के समय झारखंड राज्य के गृह रक्षक को दिया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय होमगार्ड। दिन भर की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।